हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 9 अगस्त 2023। शुरू करते आज का डेली करंट अफेयर। शुरू करते रिवीजन से। 8 अगस्त का पहला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ऐप लॉन्च किया है राजमार्ग यात्रा। उसके बाद 15वां एडिशन ब्रिक्स समिट का, ये कहाँ पे हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, टॉप मेडलिस्ट है। उसके बाद डी गुकेश हाईएस्ट इंडियन बने हैं जो फिडे रैंकिंग में टॉप पे है। इन्होंने डी गुकेश ने किसको पछाड़ा है? विश्वनाथ आनंद को। किस मामले में? पॉइंट्स के मामले में। ठीक है, आगे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है दीक्षा, ये कौन से मंत्रालय लेके आया है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। आगे स्टील मिनिस्ट्री ने एक अपना नया लोगो अनवील किया है, किसका? एनएमडीसी का, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। आगे आगे देखो, शोविनी सिन्हा ये अपॉइंट की गई है एफबीआई की स्पेशल एजेंट चार्ज इन सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में। आगे देखो, मराठी पोएट नामदेव धोंडो मनोहर ये गुजर गए हैं। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है इसराइल का एक स्पाइक मिसाल है, ठीक है, इसराइल का एक स्पाइक मिसाइल है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये लेने का समझौता किस देश के साथ हुआ है? इसका सही जवाब है इंडिया। भारत के साथ समझौता किया है इसराइल ने स्पाइक मिसाइल के लिए, ये एक मिसाइल है। मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ का मिसाइल का। देखो, इंडिया का बेस्ट मिसाइल कौन सा है? अग्नि, अग्नि 5। उसके बाद दुनिया का बेस्ट मिसाइल कौन सा है? सरमत, जो है रशिया का। एक प्रोग्राम है एजीडीएम डीपी, एंटी गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसके अंडर हुआ था? 1983 में हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंडर हुआ था। इसके बाद इनको मिसाइल मैन भी बोला गया है। उसके बाद अगर मैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी है, मिसाइल वुमन कौन है? थेसी थॉमस। ठीक है, तब ये डीआरडीओ में काम करते थे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक और एक डीआरडीओ का नाम आया तो डीआरडीओ, ये बना था 1958 में। ठीक है, समीर कामत इसके चीफ है। और एक भारत का सबसे अच्छा डेवलप एक मिसाइल है काली, ये किसने बनाया है? बीआरसी, जिसके चीफ है एके मोहंती, ये बना था 1967 में, एके मोहंती। और डीआरडीओ ने बनाया था, ये बना था 1958 में बना था, ये समीर कामत इसके चीफ है। ये प्रोग्राम इसके अंडर ही पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, ये पांच प्रोग्राम भारत के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें पृथ्वी सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अगला सवाल है, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। मोदी जी ने लगभग 24,470 करोड़ का एक प्रोजेक्ट रेलवे के बढ़ोतरी के लिए 508 रेलवे स्टेशन का बनाया है, कौन से स्कीम के अंतर्गत? इसका सही जवाब है अमृत भारत स्कीम। अमृत भारत स्कीम के अंडर ही देखो रेलवे का डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे। रेलवे की बात करूं तो रेलवे के कौन है मंत्री? अश्विनी वैष्णव। देखो, ये सवाल है स्कीम के ऊपर, ये सवाल है स्कीम के ऊपर, डिस्कशन करिए स्कीम का। देखो यहां पे पहला है पीएम स्वनिधि स्कीम, ये किस लिए है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि।
उसके बाद है पीएम मिस्ती स्कीम, ये स्कीम किस लिए है, मैंग्रोव्स के लिए। उसके बाद है पीएम श्री स्कीम, ये स्कीम किस लिए, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। उसके बाद पीएम प्रणाम स्कीम, ये स्कीम किस लिए है, फर्टिलाइजर के लिए। उसके बाद पीएम मित्रा स्कीम, ये किस लिए है, टेक्सटाइल के लिए है। और 7 अगस्त को ही हैंडलूम डे। मुद्रा लोन, मुद्रा लोन में 3 प्रकार के लोन होते हैं। शिशु 50,000 तक का लोन होता है, किशोर 50,000 से 5 लाख तक का लोन होता है, और तरुण इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन होता है। पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये किस लिए, पीएम कुसुम किस लिए, सोलर प्लांट के लिए है। उसके बाद किसान सम्मान निधि, ये 2019 में ये योजना लेके आई थी, ठीक है। 6,000 का फार्मर को वेवर दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। उसके बाद पीएम केयर स्कीम, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये कोविड जब आया था ना तब ये शुरू की गई थी। पीएम उज्ज्वला योजना गैस के लिए, मिड डे मील स्कीम, इसका नाम चेंज किया है पीएम पोषण स्कीम, अमृत भारत स्कीम रेलवे स्टेशन के लिए, और महिला सम्मान निधि स्कीम, ये योजना शुरू की है पोस्ट ऑफिस ने। निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा 2023 के बजट में की थी। आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखो, अभी कौन सा योजना को कितने साल कंप्लीट हुए, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे 9 साल कौन से योजना को कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पे 9 साल जनधन योजना 28 अगस्त को हुआ था, डेट के साथ आपको याद रखना है। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त को शुरू किया गया था 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर। आगे देखो, आगे 8 साल कौन सी योजना को कंप्लीट हुए, 8 साल, ये मैंने 9 साल का देख लिया, आगे देखेंगे 8 साल का। इम्पोर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना शुरू की थी 22 जनवरी 2015 को, डेट के साथ आपको याद रखना है। इसके बाद हृदय स्कीम, ये किस लिए है, हेरिटेज के लिए है। उसके बाद पीएम मुद्रा योजना, इम्पोर्टेंट 8 अप्रैल 2015 को आई थी। 3 योजना इसमें कितना है, 3 टाइप है पीएम मुद्रा में, 3 स्कीमें, शिशु किशोर और तरुण। यहाँ देखो, अटल पेंशन योजना, पीएम ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये 4 योजना 9 मई को शुरू की गई थी 2015 के दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी योजना का सवाल पूछ सकते हैं, कौन सी योजना कौन से दिन पे आई है, डेट के भी ऊपर सवाल आता है किस डेट पे आई थी, ठीक है। अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 25 जून को आया था। डिजिटल इंडिया 2 जुलाई को आया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 5 नवंबर को आया था। को अब देखते हैं 7 साल किसको कंप्लीट हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2015 को आया था, 16 को, ठीक है। उसके बाद स्टैंडअप इंडिया 5 अप्रैल 16 को आया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई को आया था 2016 में। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई को आया था 2016 में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, शुभ यात्रा स्कीम, ये कौन से राज्य सरकार ने अभी लॉन्च की है। शुभ यात्रा स्कीम ये लॉन्च किसने की है, इसका सही जवाब है केरला। अगर मैं इसके सीएम की बात करूं तो इसके सीएम कौन है, एस सिद्धरमैया। केरला के कौन है, पिनरी विजयन। तमिलनाडु के एम के स्टालिन। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। तेलंगाना के चंद्रशेखर। यहां पे थोड़ा डिस्कशन देखो, कोस्ट के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं। जो केरला का पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। कर्नाटका से लेके मुंबई तक ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। गुजरात का ये पार्ट है इसको बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट और ये कच्छ कोस्ट। अगर मैं ईस्ट की तरफ आऊं तो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक नीचे तक कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट कोस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे रेंजेस दिया है, मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज, सिर्फ महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट, पूरा का पूरा ये पट्टा आप देख रहे हो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देखो, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट, और ये है प्लेन, तमिलनाडु का भाग आता है इसमें। यहाँ पे देखो ये है लैटिट्यूड 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड और 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट 68.7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि भारत का सबसे टॉप पे कौन सा जगह है, ये है इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में, सबसे बॉटम मोस्ट हिस्सा कौन सा है, कन्याकुमारी में है। अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट का कौन सा है, किबीतु है अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्ट मोस्ट पार्ट देखूँ तो ये गुहार मोती है गुजरात के पास। ये कुछ स्कीम है इंपॉर्टेंट कर्नाटका की, कर्नाटका यहाँ पे किसकी सरकार है, कांग्रेस की, 224 सीट पे चुनाव हुआ था, इसमें 136 पे कौन आई, कांग्रेस। स्कीम लेके आई देखो कौन सा, गृह ज्योति योजना, गृह लक्ष्मी योजना, युवा निधि योजना, अन्न भाग्य योजना और शक्ति योजना, ये पांच स्कीम कर्नाटका सरकार लेके आई है कर्नाटका के लोगों के लिए। देखो अगला सवाल है 4 नंबर का, देखो ये क्या कह रहा है, एक पद्म भूषण अवार्डी अभी रिसेंटली गुजर गए हैं, कौन थे ये, इनका नाम है एन विट्ठल, ये पेशे से एक एक आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। आगे अगला देखो सवाल नंबर 5, देखो क्या कह रहा है, नेशनल हैंडलूम डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 7 अगस्त को, नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं 7 अगस्त को ही, जैवलिन थ्रोवर डे ये भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड लेके आए थे 7 अगस्त 2021 में, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, इस पे बॉम्ब गिरा गया था, लिटिल बॉय, बॉम्ब का नाम क्या था, लिटिल बॉय। 9 अगस्त को नागासाकी डे, इस पे भी बॉम्ब गिरा गया था, इसका नाम क्या था, फैट मैन। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। अगर मैं नेशनल हैंडलूम की बात करूं तो देखो यहाँ पे हैंडलूम डे ये क्यों, हैंडलूम डे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो उसके बाद लाल बाल पाल, लाल बाल पाल इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र सेन, ठीक है, बिपिन चंद्र, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है, कभी 7 अगस्त 1905 में। इसी मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ये मनाने का घोषणा की थी 2016 में, ठीक है। देखो अगला सवाल, देखो सवाल नंबर 6, ये क्या कह रहा है, रिसेंटली कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट को महारत्न का स्टेटस मिल गया है, इसका सही जवाब है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वां कंपनी है, 30th नंबर का कंपनी है। अगर मैं पूछूं 11वां कंपनी कौन सा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, अगर मैं 12वां देखूं तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड 12th वाला है,
अगर मैं बोलूं पहला महारत्न कंपनी कौन सा है, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखो ये कुछ आपके सामने कंपनी है, ये सब आपको याद रखने पड़ेगी। आगे देखो अगला सवाल है, मलबार रिवर फेस्टिवल ये रिसेंटली अभी कौन से राज्य ने मनाया है, मलाबार रिवर फेस्टिवल ये कौन से राज्य ने मनाया है, इसका सही जवाब है केरला। देखो हम अभी डिस्कशन करेंगे स्पेशली साउथ इंडिया के जो फेस्टिवल होते हैं ना इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर सवाल अटक जाते हैं। पहले तमिलनाडु, जलीकट्टू, पुथांडू, पोंगल, नटराज डांस फेस्टिवल, कार्तिकेय फेस्टिवल, महालम फेस्टिवल और चित्री राय फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना, बोनाल फेस्टिवल, बतुकम्मा फेस्टिवल, पिरला, पोदंग फेस्टिवल, समक्का, सरका फेस्टिवल और मेदारम फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। आगे केरला की बात करूँ तो विशु फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल, माराबाल रिवर फेस्टिवल, थ्रिसुर पोरम, अतक्कुल पोंगल। आगे देखो अगर यहाँ की बात करूँ कर्नाटक की, कम्बाला फेस्टिवल, यक्षगान फेस्टिवल, पत्तनडतिट्टल फेस्टिवल, ठीक है ये है उगादी फेस्टिवल। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 8, ये क्या कह रहा है, हिरोशिमा डे ये कब मनाया गया है। हिरोशिमा डे ये मनाया गया है 6 अगस्त के दिन, ठीक है हिरोशिमा डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे। लिटिल बॉय बॉम्ब का नाम था फैट मैन, इस बॉम्ब का नाम था, ठीक है ये जापान के ऊपर 1945 को एटॉम बॉम्ब गिराया था, ठीक है ये बनाया था किसने, था किसने बनाया था ये, रॉबर्ट ओपन हाइमर जी ने। 26 अप्रैल देखो, 26 अप्रैल चर्निबिल रिमेम्बरेंस डे, चर्निबिल एक जगह है यूक्रेन में, यहां पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। करेंगे डिस्कशन डे का, देखो यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला वर्ल्ड वाइड डे 1 अगस्त को, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त को, हिरोशिमा डे 6 अगस्त, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था 9 अगस्त को हुआ था, नागासाकी डे 9 अगस्त, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त। यहाँ पे आगे देखो सद्भावना दिवस 20 अगस्त इंपॉर्टेंट क्यों पता है आपको, राजीव गांधी जी का जयंती होता है, ठीक है यह 19 नवंबर नेशनल इंटीग्रेशन डे क्यों पता है, इंदिरा गांधी जी का जयंती होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंस डे इंडिया का 15 अगस्त को, ठीक है सब पता है, इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 17 अगस्त को, तेलुगु लैंग्वेज डे 29 अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत दिवस 31 अगस्त, मलेशिया का नेशनल डे 31 अगस्त को। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।